अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक ही क्लिक में कैसे फेसबुक के तमाम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि भाई हम फेसबुक पर हमारी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और हम एक्सेप्ट कर ले जल्दी से और हमारा वक्त भी ना ज़ाया हो, एक एक क्लिक करते रहे तो बहुत देर लग जाती है। तो आज इसी पर मैं बात करूंगा और मुकम्मल आपको गाइड करूंगा और करके भी दिखाऊंगा कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर दबा कर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा कर मेरी नई वीडियो की अपडेट हासिल करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता चलूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट है 942 रिक्वेस्ट अभी मेरे पास आई हुई हैं और मैं सिंपली अपना एक पेज ओपन करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ। और आप मैं इस टाइम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो इस टाइम और ये ऊपर आप तीन डॉट आपको दिख रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर टूल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर आ जाना है। मोर टूल पर आने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और मेरा ये देखें ओपन क्रोम वेब ब्राउज़र ये आ रहा है, आपका कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, आप ढूँढ सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये विंडो खुल गई है, ये वाली, ये आपको दिखा दूँ, ये विंडो यही खुलती है। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये देखे सर्च बार पर टाइप करना है टूल किट, फॉर फेसबुक और आपने यहाँ पर एंटर एंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग होना स्टार्ट हो गई। और ये लोडिंग हो रही है, चलो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये देखें इसके बाद आप जो टूल एक देख सकते हैं टूल किट फॉर फेसबुक, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन में किया हुआ है और बुकमार्क मैंने इसको किया हुआ है और मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है मेरे, सॉरी ये पड़ा हुआ है, ये देखें आप देख सकते हैं टूल किट फॉर फेसबुक बाय पुश ईएक्स। और आप इसकी यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका आइकॉन देख सकते हैं, इसकी पिक्चर देख सकते हैं और इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और इसके बाद मैं अपने फेसबुक पर आ जाता हूँ। फेसबुक पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना फाइंड फ्रेंड और व्यू ऑल फ्रेंड पर क्लिक कर देना। और व्यू ऑल फ्रेंड करने के बाद आपने इस टूल पर क्लिक कर देना। तो मैंने इस टूल पर क्लिक कर दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मैसेज आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये सेंड स्टिकर टू मल्टी फ्रेंड एट वंस और डाउनलोड फेसबुक वीडियो और बहुत सारे मैसेज हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी एक पर क्लिक कर देना, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और दोबारा से और सॉरी ये नीचे भी टूल हैं,
और यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा क्लिक ऑल ऐड बटन फ्रेंड, और ये स्टार्ट टूल पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद 3 सेकंड 1 सेकंड मैं 3 कर देता हूँ और क्लिक स्टार्ट। ये देखें, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये सॉरी गलत हो गया, वो एडिट का ऑप्शन था कि आप जोन सा अगर फ्रेंड को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो फ्रेंड मेरे ऐड हो गए हैं, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं तो वो हो गया। यहाँ पर मैं दोबारा से ढूंढता हूँ नीचे कहाँ गया, ये देखें एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस पर इस टूल पर आपने क्लिक करना है, आपने देख लेना यहाँ पर, और ये लोडिंग हो रही है यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर ये यह ओपन हो रहा है। एक नया पेज यहाँ पर इसने ओपन किया है, और ये देखे इसने नए पेज पर ले आया, और यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करता हूँ और किया, और ये देखे ऑटोमेटिक ये तमाम की तमाम जोन सी फेसबुक मेरी रिक्वेस्ट आई थी ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होना शुरू हो गई है, आप जी इसको नीचे भी देख सकते हैं, और ये देखें ये खुद ब खुद हो जाएगी, आप अपना काम करें, आप जो भी यहाँ पर आप पेज चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये खुद ब खुद ही सब की सब एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर मेरी नई वीडियो के अपडेट हासिल करें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।